नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का खेतों में खरपतवार नाशक लाडिस के छिड़काव के विषय में। यहाँ जो आप मक्का का खेत देख रहे हैं, यह 26 दिनों का पौधा है। इसकी बुआई हमने जो है 24 नवंबर 2019 को किया था और बुआई के 18 दिनों के बाद यानी कि 12 दिसंबर 2019 को हमने लाडिस का छिड़काव किया। हमें 18 दिनों के बाद लाडिस का छिड़काव करना पड़ा क्योंकि खेतों में बहुत अधिक धान उग गए थे। इस वर्ष ज़्यादा धान उगने का कारण है कि हमने हार्वेस्टर से धान की कटाई कराई थी, जिससे बहुत ज़्यादा धान हमारे खेत में झड़ गया था और पूरे खेत में धान उग गए हैं। हमें अभी जो है मक्का के जड़ों में के आसपास में जो है यूरिया डालना है, और अगर हम खेतों में खरपतवार नाशक नहीं डालेंगे और यूरिया डालेंगे तो वो सारे उर्वरकों को जो है खरपतवारों द्वारा सोख लिया जाएगा। इसीलिए यह आवश्यक हो गया था कि हम अपने खेतों में खरपतवार निवारण के लिए लाडिस का छिड़काव करें, और हमने जो है लाडिस और अल्ट्राजिन के मिश्रण को जो है अभी अपने खेत में छिड़काव किया है। उसके बाद यह परिणाम आ चुका है, उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो बना के बता रहा हूँ। खेतों में सारे घास मर चुके हैं, धान भी मर चुके हैं, कोई भी घास नहीं बचा है। यहाँ अगर हम बात करते हैं लाडिस की, तो लाडिस जो है चौड़े पत्ती वाले घासों को मारता है मक्के के खेत में, और जो यह फूस्ट नाम का जो यह बायर का अल्ट्राजिन 50% WP है, यह बहुत सारे घासों को मारता है, जिसमें कि मक्का के पत्थर चटा, लहसुआ, सावक, मांडला, बंसी, केप घास, जंगली चौलाई, हुलहुल, जंगली गेहूँ, गन्ना के कुल्फी, मकरा, विष खपरा, दूधी, ये सभी घासों को ये अल्ट्राजिन मारता है। तो दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो अपने खेत में कोई भी घास नहीं बच पाता है, तो इसलिए दोनों को एक साथ मिलाकर हमको छिड़काव करना सही रहता है। बात करते हैं इसके कीमत के बारे में। यहाँ पे जो है 500 ml का जो पैक होता है, इसमें 515 ml का पैक होता है, इसमें 400 ml सर्फेक्टेंट होता है, जो बड़ा बॉटल होता है, यहाँ देख रहे हैं आप, बड़ा बोतल सर्फेक्टेंट है जो पौधे के पत्तियों पर क्रिया करने के लिए मदद करता है लाडिस को। और जो यह छोटा बोतल है, यह लाडिस है 115 ml का। तो और इसको जो है हमको अल्ट्राजिन जो यहाँ पे फूस्ट दिख रहा है, इसको 500 ग्राम है इसमें अल्ट्राजिन 50% WP। इन तीनों चीज़ों को हमको 12.5 लीटर पानी में घोल कर प्रति टंकी 1 लीटर डालने के बाद, उसको मिश्रण करने के बाद हमको छिड़काव करना होता है। यह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बॉटल के इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है, और इसमें दिया है कि प्रति एकड़ आपको 13 टंकी घोल का अच्छे से छिड़काव कर देना चाहिए पत्तों को भिगाते हुए, ताकि सारे घास आसानी से मर जाए। और बात करें कि इसका असर जो दिखाई देगा, 8 दिनों के बाद आपको परिणाम दिखने लगेंगे। लाडिस और फूस्ट को एक साथ मिलाकर छिड़काव करने से मक्के के पौधे में जो है कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि उसकी वृद्धि में तेज़ी आती है। तो वो चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, मक्के के पौधे में कोई दिक्कत नहीं है। लाडिस के छिड़काव की सावधानी की बात करें तो इसके साथ जो है आप कोई भी अन्य कीटनाशक या फंगिसाइड का छिड़काव नहीं करेंगे। अगर आपके खेत में कीटों का या फिर कोई दूसरी बीमारी का प्रकोप है, तो उसको आप लाडिस के छिड़काव के 1-2 दिन के बाद या फिर उससे पहले अलग से उस चीज़ों का छिड़काव आपको करना है। कोई दूसरे कीटनाशकों का या फिर अन्य दवाओं का इसके साथ में आपको छिड़काव नहीं करना है, मिलाना नहीं है इसमें। और बात करें तो इसका जो है लाडिस के छिड़काव के बाद आपको स्प्रे टैंक को बहुत अच्छे से सर्फ से धोकर साफ़ कर लेना चाहिए, और जब इस स्प्रे टैंक का दूसरे खेतों में इस्तेमाल होगा तो उस पर जो है इस लाडिस का असर ना हो, इसलिए आपको स्प्रे टैंक को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो इतनी सी बात थी हमारे लाडिस छिड़काव के बारे में। किसान भाइयों को अगर कोई और समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।